श्री राधे। बच्चों आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन और जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भगवान कृष्ण का जन्म जो है भाद्रपद की अष्टमी के दिन बुधवार था उस दिन हुआ और उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। रात को 12 बजे हुआ, इसलिए 12 बजे जो है भगवान की पूजा का विधान है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जन्म तो हजारों वर्ष पहले ले लिया, आजकल तो हम उनका क्या मनाते हैं, जन्मोत्सव। यानी कि जब से जन्म लिया है तब से हम निरंतर उनका प्रति वर्ष जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। उस दिन हम व्रत भी करते हैं, कुछ लोग उस दिन उपवास रखते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात्रि को 12 बजे जब खुलता है व्रत तब भोजन भी कर लेते हैं। तो सबकी जो है अलग अलग मान्यता है, अलग अलग परंपरा है। तो मोस्टली लोग जो है रात को भगवान का जो है अभिषेक भी करते हैं पंचामृत से और पूजा भी करते हैं। लेकिन मैं जो है पूजा दोपहर को जो है 3-4 बजे के करीब कर लेती हूँ। उसी वक्त जो है भगवान को पंचामृत से स्नान भी करवा देती हूँ और रात्रि के समय खुद स्नान करके जब 12 बजे भगवान जन्म ले लेती हैं उस वक्त आरती करती हूँ और भगवान के भोग लगाती हूँ। तो भगवान ने जैसे धर्म की वृद्धि करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए यानी कि दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लिया था, तभी से सभी लोग जो है उनको भगवान के रूप में तो मानते ही मानते हैं और छोटे लड्डू गोपाल के रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत ही नटखट है, शरारती है, वो शरारते करते रहते हैं। तो हमें भी जिन जिन के पास लड्डू गोपाल है उनके उसी नटखट पने को स्वीकार करते हुए वैसी ही लीलाएं उनके साथ करनी चाहिए जैसे भगवान कृष्ण यशोदा माँ से करते थे। तो हमें भी माँ यशोदा बनकर ही उनका पालन पोषण करना चाहिए, यानी कि साल भर हम उनका पालन पोषण करते हैं और जन्माष्टमी के दिन जो है हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है वैसे ही भगवान कृष्ण का मनाया जाता है। तो क्या मना रहे हैं हम, जन्मोत्सव। किस दिन, जन्माष्टमी के दिन। इस बार क्या है 2020 के अंदर कई लोग जो है 11 तारीख को कर रहे हैं, कुछ 12 को बता रहे हैं, पंचांग में पंडित जी वगैरह बता रहे हैं, कुछ 13 को मना रहे हैं। क्योंकि अष्टमी शुरू हो जाएगी 11 तारीख को और 12 तारीख को भी रहेगी और वैसे बुधवार 12 तारीख को है और 13 तारीख को रोहिणी नक्षत्र है। तो भगवान तो क्या है भावों के भूखे हैं, आप किसी दिन भी जो है मना सकते हैं। तो मेन जो है मोस्टली लोग जो है वो 12 तारीख को मनाएंगे। तो आप जो है भगवान की पूजा कैसे करोगे या मैं कैसे करती हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ और पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक भी करूंगी। चलो दिखाती हूँ पहले आपको सामान और फिर अभिषेक और पूजा। ये देखो बेटा, जैसे जो है सुबह पूजा करती हूँ मैं, वैसे जो है लड्डू गोपाल की मैंने पूजा कर ली है। ये नई बांसुरी रख दी है, इनका मुकुट माला। ये क्या है, कृष्ण भगवान को मोर पंखी बहुत प्रिय है इसलिए मोर पंखी भी रखी हुई है। ये देखो काफी सारी उनकी ड्रेसेस हैं। तो जैसे हमें नई नई ड्रेस जो है अच्छी लगती है वैसे ही भगवान को भी लगती हैं। तो आज जो है भगवान यानी कि जन्माष्टमी के दिन जन्म लेने वाले हैं इसलिए हमने उनकी छोटी छोटी ड्रेस रखी हुई है, क्योंकि वही फीलिंग आनी चाहिए ना कि जैसे आज ही भगवान जन्म ले रहे हैं। तो ये मैंने ड्रेसेस रखी हैं और ये देखो उनको पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। ये है दूध, ये है दही, ये है घी, ये है शहद और ये गंगा जल। मैंने जो ये तिलक के लिए दो तरह के जो है चंदन रखे हुए हैं, ये वाला जो है ये वाली डब्बी से मैंने लिया है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये गोपी चंदन है जो मैं वहां से लाई थी, कहां से, मथुरा से। और ये रोली है, ये भगवान को भोग लगाने के लिए मैंने जो है मुरब्बा और ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं।
और ये तुलसी जो भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो ये भगवान का प्रसाद जो है आप रख सकते हो, भगवान को भोग लगाओ और फिर आप कई दिन तक खा भी सकते हो। तुलसी तो हर चीज में रखी जाती है, इसलिए मैंने 7 पत्ते जो है तुलसी के तोड़ के रख लिए हैं। ये मोली है और ये जो है धूप, ये माचिस रखी हुई है, ये दीपक बीच में रखा हुआ है, ये चावल, और ये जब पंचामृत का स्नान करवाऊंगी तब मैं बुरा से भी भगवान को नहलाऊंगी, क्योंकि मीठे मीठे रहने चाहिए ना भगवान। और ये मिश्री, क्योंकि भगवान को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। माखन क्या है, मेरा थोड़ा पिघल गया इसलिए मैंने नहीं रखा, क्योंकि कोई बात नहीं, घी तो हमारे पास है ही, वो पंचामृत में डल जाएगा। और भगवान जो है आज क्या ड्राई फ्रूट मुरब्बे का, ये बहुत ही अच्छा मुरब्बा है, कई तरह के मुरब्बे हैं, मैंने मिक्स करके जो है यहाँ रख दिए हैं। तो ठीक है, ये चीजें आप मिठाई रख सकते हो, फल रख सकते हो, फूल रख सकते हो। तो वो तो क्या रात्रि के समय जब भगवान की पूजा होगी तब, दिन में तो मैं इन्हीं चीजों से भगवान की पूजा करती हूँ। तो ये मैंने भगवान का एक पीताम्बर तो उनके नीचे बिछा दिया है और एक पीताम्बर रखा हुआ है जो बाद में उनको स्नान कराने के पश्चात पहनाऊंगी। ठीक है, तो अब हम भगवान का करते हैं पंचामृत से अभिषेक। ये देखो, सबसे पहले हमने जो है अपने लड्डू गोपाल को उठा लिया, इनकी माला उतार दी और इनकी बड़े ही प्यार से ड्रेस जो है उतारेंगे। ये हमने बिठा दिया अपने लड्डू गोपाल। अब सबसे पहले हम किससे स्नान कराएंगे, दूध से। देखो, आपको अगर मान लो संस्कृत का मंत्र नहीं आता है तो आप नो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री कृष्णाय नमः, ये बोलते जाओ और जो है अभिषेक करते जाओ। तो सबसे पहले दूध से, ये देखो, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। बेटा ये ध्यान रखना, वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता का नाम है और वासुदेव जो है भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो ऐसे आप धीरे धीरे ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। तो ये हमने पहले दूध से स्नान करवाया और अब हम करवाएंगे दही से स्नान। ऐसे ही बोलते जाओ, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। ये हमारा दही से स्नान हो गया और अब हम स्नान करवाएंगे घी से। ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। घी के बाद आप स्नान करवाएंगे शहद से। ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। ये शहद से स्नान हो गया, अब आप डालेंगे गंगा जल। ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। गंगा जल के बाद जो है ये पंचामृत क्या किस में बदलता है, चरणामृत में। इसलिए हम जो है ये अब बूरा से जो है इनको नहलाएंगे। अब बूरा से आप जो है ऐसे लड्डू गोपाल को उठा लें और ऐसे मसल मसल कर जो है नहलाएं। ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः।
ओम श्री वासुदेवाय नमः। और सबसे लास्ट में आप डालेंगे जल, ये देखो ओम श्री वासुदेवाय नमः। अब देखो आपने सारे सामान डाला था, इससे भगवान चिकने चिकने सुंदर सुंदर हो गए हैं। अब जल से जो है अच्छे से इनको साफ कर लेंगे। ये देखो अब जो है अच्छे से इनका अभिषेक हो गया है, हमने इनको पोंछ दिया है। और अब हम पहनाएंगे इनको न्यू ड्रेस। ये देखो ये हमने आज, भाई हमारे लड्डू गोपाल का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो हमें ड्रेस तो पहनानी है ना। ये ऐसे पहना दी हमने ड्रेस, सुंदर लग रहे हैं ना। फिर अब हम इनको पहनाएंगे ये माला, माला पहना दी अब हमने। अब हम लगाएंगे इनके तिलक। ये देखो अब इनके आप तिलक करो, पहले ये चंदन से ये आपने तिलक कर दिया, ऐसे लंबा तिलक जो है कर दो। फिर इस वाले चंदन से, क्योंकि दो प्रकार के चंदन हैं, और फिर आप रोली से भी कर सकते हो, आप तीनों चीजें मिक्स करके भी कर सकते हो। ये ऐसे जो है पहले पीले से आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो पूरा मस्तक। ये जो येलो कलर का गोपी चंदन है इससे आप ऐसे करो, और फिर जो है ऐसे रोली से बीच में ऐसे कर दो, लंबा तिलक लगा दो। अच्छे लग रहे हैं भाई, बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब ये मोर पंखी हम इनके पास ही रख देंगे। ये देखो ये हमने लड्डू गोपाल को सिंहासन पर बिठा दिया, और अब हम इनके लगा देंगे मुकुट। ये देखो मुकुट में भी मोर पंखी है, प्यारे लग रहे हैं ना, सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो है पहले हमने अभिषेक कर दिया, और अब जो है हम पहले आरती करेंगे और फिर लगाएंगे भोग। अब ये हमने लगाया भगवान के अक्षत, और मोली तो बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो है भगवान को ड्रेस पहना दी है। और ये न्यू न्यू बांसुरी, ये हमारे लड्डू गोपाल की हो गई बांसुरी। और अब जो है हमने दीपक जला लिया है, और ये धूप भी जल गई है। अब हम पहले जो है भगवान को सेंट और लगाएंगे ना, क्योंकि आजकल सब बच्चे जो है परफ्यूम बहुत लगाते हैं। ये देखो ये हमने भगवान के कपड़ों पे लगा दिया है परफ्यूम, ताकि रात तक जो है महकते रहेंगे, चहकते रहेंगे। और अब भगवान की सारी चीजें हो गई हैं, अब पहले करते हैं आरती। तो ऐसे जो है बस भगवान की आप आरती कर लें, के धूपम दीपम आग्रयामि, आप पूरी आरती बोल लें, और उसके पश्चात जो है फिर ये भगवान के भोग लगाना है। ये आप भगवान के आगे ऐसे रख दो, मैंने तुलसी दल रखे है, ये भगवान की मिश्री है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, और तुलसी का पत्ता जो है मैंने सब में रखा है, क्योंकि भगवान तुलसी के बिना भोग स्वीकार ही नहीं करते। क्योंकि हम तो कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं ना, भगवान कृष्ण तो बड़े हो गए हैं, लड्डू गोपाल के रूप में हमने उनका अभिषेक कर दिया, अब जो है हम उनको भोग लगा रहे हैं, उनकी प्रिय वस्तुएं दे रहे हैं, और भगवान को कह रहे हैं कि हे प्रभु आप जो है जल्दी से जो भी हमारी श्रद्धा थी उस श्रद्धा के अनुसार हमने आपको भोग लगाया, आप स्वीकार कीजिए। और आप इस समय जो है नृत्य भी कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
तो ये देखो लड्डू गोपाल प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना, सजे हुए हैं। उनकी प्रिय मोर पंखी भी है, बांसुरी भी है, उनके भोग के अंदर तुलसी दल भी है, और ये चरणामृत जो है ये हमारे लिए है, ठीक है ना। अब इस चरणामृत को हम ग्रहण कर लेंगे। ये देखो हमने उनके आसपास जो है पीतांबर भी लगा दिया है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पीतांबर बहुत प्रिय है। सारी चीजें आज जो जो उन्हें प्रिय है वो उनको दी है, क्योंकि बर्थडे वाले दिन बच्चे की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए ना, तो हमने भी उनकी सारी चीजें लाकर दे दी है, ठीक है। ये देखो पूजा विधि से प्रसन्न होकर और भगवान इंद्र ने कर दी है बरसात शुरू। आपको भी पसंद आ गई होगी तो ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो फटाफट क्या करना है आपको, लाइक शेयर। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखो, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना। देख लो इंद्र भगवान तो खुश हो गए हैं, ठीक है नहीं। अब आप भी फटाफट लाइक और कमेंट कर देना, क्या लिखना है, जय श्री कृष्णा।